मॉर्निंग ऑल टीएमएनटी स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। टुडेज लेक्चर ऑन टोटल आरबीसी एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यानी आज के लेक्चर में आप क्या देखोगे कि अपन आरबीसी को कैसे डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर, टोटल आरबीसी को, टोटल ल्यूकोसाइट को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैनुअल मेथड से अपन कैसे पता लगा सकते हैं, यानी पहले किस तरीके से आरबीसी काउंट और ल्यूकोसाइट काउंट माइक्रोस्कोप के द्वारा करते थे। अभी तो क्या जनरली मशीनों से होता है, लेकिन क्या है अपने को पीछे का पढ़ना है कि मैनुअल मेथड से किस तरीके से आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए टीआरबीसी एंड टीएलसी काउंट, यानी टोटल आरबीसी एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो अभी तक आपने तीन प्रैक्टिकल के लिए, चौथा प्रैक्टिकल आपका किसके ऊपर है? टीआरबीसी और टीएलसी काउंट के ऊपर, जिसका एम देखिए उद्देश्य क्या है कि टू डिटरमाइन द एनीमिया इन पेशेंट, यानी किसी पेशेंट के अंदर एनीमिया का पता लगाने के लिए। टू डिटरमाइन द इन्फेक्शन कंडीशन इन पेशेंट, यानी किसी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशंस का पता लगाने के लिए भी अपन क्या है टीआरबीसी यानी टोटल आरबीसी काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को चेक करते हैं कि वो नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल रेंज में है। टू एन्यूमरेट द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी ऑफ गिवन सैंपल, यानी दिए हुए सैंपल के अंदर टोटल रेड ब्लड सेल्स के नंबर को भी चेक करने के लिए अपन टीआरबीसी काउंट करते हैं। टू एन्यूमरेट द टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट ऑफ गिवन सैंपल एंड इवेल्युएट द इम्यूनिटी पावर, यानी क्या है दिए गए सैंपल के अंदर ल्यूकोसाइट काउंट्स को चेक करने के लिए भी अपन क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं, टीआरबीसी यानी टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को चेक करते हैं, और इसकी इम्यूनिटी पावर को भी इवेल्युएट यानी इसको चेक करने के लिए भी अपन क्या है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल रेंज क्या है, तो आरबीसी की मेंस के अंदर कितनी है 4.7 to 6.1 मिलियन तक पर क्यूबिक तक नॉर्मल है, और वुमेन्स के अंदर 4.2 to 5.5 मिलियन तक नॉर्मल है, और व्हाइट ब्लड सेल की नॉर्मल रेंज कितनी है तो 4,000 to 10,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब क्या है नॉर्मल, यानी 4,000 से 10,000 तक नॉर्मल है। तो किसलिए करते हैं अपन टीआरबीसी और टीएलसी यानी एनीमिया की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, यानी किसी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन होगा क्या है कि जो ल्यूकोसाइट है व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या होंगी अप एंड डाउन होगी उनको चेक करने के लिए, यानी दिए गए सैंपल में आरबीसी काउंट को चेक करने के लिए या फिर ल्यूकोसाइट्स को या फिर इम्यूनिटी पावर को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं टीएलसी काउंट चेक करते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी है भैया 4.7 to 6.1 मिलियन तक मेंस के अंदर, और वुमेन में 4.2 to 5.5 मिलियन तक है। ये क्या है फिक्स नहीं होती, अलग अलग एवरेज के अंदर अलग अलग अकॉर्डिंग यानी लैब के अंदर अलग 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 डॉक्टर के अकॉर्डिंग सेट होती है। और डब्ल्यूबीसी काउंट कितनी है 4,000 to 10,000। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर अपन क्या है आरबीसी काउंट को कैसे चेक करेंगे, यानी क्या प्रिंसिपल है रेड ब्लड सेल्स पे काउंट करने का। तो द ब्लड सैंपल इज डाइल्यूटेड यूजुअली 200 टाइम्स विद रेड ब्लड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी हेम्स, यानी सबसे पहले क्या है रेड जो ब्लड सैंपल यानी जिस पेशेंट का ब्लड है यानी जिसमें रेड ब्लड सेल्स को काउंट करना है उस ब्लड सैंपल को अपन डाइल्यूट करेंगे यानी उसका तनुकरण करेंगे, उसका डाइल्यूशन किस हद तक करेंगे 200 टाइम्स यानी 200 गुना क्या है उसका डाइल्यूशन करेंगे विद रेड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड। और ब्लड सैंपल का डाइल्यूशन अपन किसके साथ करेंगे तो रेड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ डाइल्यूशन करेंगे यानी हेम्स फ्लूइड के साथ। और ये डाइल्यूशन क्यों करते हैं ताकि अगर अपने को रेड ब्लड सेल काउंट करनी है तो ओनली कैसी सेल्स रहे रेड ब्लड सेल रहे, बाकी की जो सेल है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाए लाइज हो जाए, इसीलिए क्या है ये डाइल्यूशन करते हैं। द डाइल्यूटेड ब्लड इज प्लेस इन हीमोसाइटोमीटर, और ये जो डाइल्यूटेड ब्लड है
इसको अपन फिर किसके ऊपर प्लेस करते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर के अंदर, यानी रेड ब्लड सेल काउंटिंग चैम्बर के ऊपर, न्यूबॉर्न चैम्बर के ऊपर या हीमोसाइटोमीटर के ऊपर क्या है, ब्लड सैंपल को अपन प्लेस करते हैं, डाल देते हैं। तो और हीमोसाइटोमीटर के अंदर क्या अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल को काउंट करने के, व्हाइट ब्लड सेल को काउंट करने के, तो अपन क्या अभी किसको काउंट करेंगे, रेड ब्लड सेल को काउंट करेंगे हीमोसाइटोमीटर के अंदर। और हीमोसाइटोमीटर को प्लेस करने के बाद अपन किसके अंदर करें देखेंगे, उसका माइक्रोस्कोप के अंदर। द सेल्स आर काउंटेड अंडर प्रॉपर मैग्निफिकेशन ओवर द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हीमोसाइटोमीटर। और ये जो सेल्स हैं उसको अपन एग्जामिन कैसे करेंगे, तो अंडर प्रॉपर मैग्निफिकेशन, यानी प्रॉपर मैग्निफिकेशन के अंदर चेक करेंगे, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे। मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि चीज को बड़ा करके दिखाना, तो बड़ा करके कौन दिखाता है, माइक्रोस्कोप, ओवर द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हीमोसाइटोमीटर। और चेक किया करेंगे हीमोसाइटोमीटर का स्पेसिफिक एरिया ही चेक करेंगे, जो किसके लिए है, रेड ब्लड सेल के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल के लिए क्या है प्रिंसिपल, तो द होल ब्लड इज यूज फॉर टोटल व्हाइट ब्लड सेल काउंट, यानी पूरा जो कंप्लीट ब्लड है वो क्या है, काम में लेते हैं अपन व्हाइट ब्लड सेल्स को चेक करने के लिए, काउंट करने के लिए विद डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड। और अपन किसके साथ में काम में लेते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूड के साथ में, यानी इसका भी डाइल्यूशन करते हैं किसके साथ, टर्की फ्लूड के साथ। यानी आरबीसी के काउंट में तो अपन क्या काम में लेते हैं, हेम्स फ्लूड, और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या काम में लेते हैं, टर्क्स फ्लूड काम में लेते हैं। इट इज डाइल्यूटेड 20 टाइम्स एंड प्लेस इन हीमोसाइटोमीटर। पर व्हाइट ब्लड सेल को चेक करते टाइम अपन डाइल्यूशन कितना करते हैं ब्लड का, ओनली 20 टाइम्स, यानी 20 गुना डाइल्यूशन करते हैं। लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर कितना करते हैं, 200 गुना, क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो क्या है, ज्यादा होता है व्हाइट ब्लड सेल के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा होता है। और जबकि व्हाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो क्या है, बहुत कम होता है, इसीलिए क्या इसका डाइल्यूशन कम करते हैं। नेक्स्ट, टाइम्स एंड प्लेस इन हीमोसाइटोमीटर। तो डाइल्यूशन करने के बाद ये जो ब्लड है इसको अपन किस में प्लेस कर लेते हैं, हीमोसाइटोमीटर के अंदर। द सेल्स आर काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप ओवर स्पेसिफिक, और अपन सेल्स को किसके अंदर काउंट करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर। यानी हीमोसाइटोमीटर को कहां पे रखते हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपर, माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर, और प्रॉपर मैग्निफिकेशन के अंदर, यानी 40x के लेंस के ऊपर उसको क्या है, काउंट करते हैं। और स्पेसिफाइड एरिया के अंदर ही काउंट करेंगे अपन, जो व्हाइट ब्लड सेल के लिए हीमोसाइटोमीटर में एरिया है उसी के अंदर सेल्स को काउंट करेंगे। तो एक बार शुरू से देखिए, रेड ब्लड सेल जो है उसके लिए प्रिंसिपल क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि द ब्लड सैंपल इज डाइल्यूटेड यूजुअली 200 टाइम्स विद रेड ब्लड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यानी सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि डाइल्यूशन करते हैं किसका, ब्लड सैंपल का, जिस पेशेंट का ब्लड डिटेक्ट करना है, काउंट डिटेक्ट करने, उसका डाइल्यूशन करते हैं कितने टाइम, 200 गुना, यानी 200 टाइम्स विद रेड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड। और ये डाइल्यूशन किसके साथ करते हैं अपन, रेड ब्लड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ। यानी अगर क्या है कि 1 ml अपन क्या ले रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो उसके 200 गुना क्या लेंगे अपन, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, तभी क्या होगा उसका 20 टाइम्स होगा। ठीक है, डाइल्यूशन इसलिए करते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को इसलिए काम में लेते हैं कि ब्लड के अंदर अदर जो सेल्स है वो क्या हो जाए, लाइज हो जाए, और ओनली क्या बचे, रेड ब्लड सेल बचे। तो अपन क्या है, वो अपने को काउंट क्या करनी है, ओनली रेड ब्लड सेल, इसीलिए। नेक्स्ट, द डाइल्यूटेड ब्लड इज प्लेस इन हीमोसाइटोमीटर। और ये जो डाइल्यूटेड ब्लड है इसको किसके अंदर प्लेस करेंगे अपन, हीमोसाइटोमीटर के ऊपर, यानी काउंटिंग चैम्बर के ऊपर। यानी काउंटिंग चैम्बर ऐसा एक इक्विपमेंट है जिसके ऊपर अपन क्या है, ब्लड सेल्स को काउंट कर सकते हैं। ब्लड डाइल्यूटेड जो ब्लड है, यानी जिसके अंदर अभी क्या है, ओनली रेड ब्लड सेल्स है, उसको किसके ऊपर प्लेस करोगे, हीमोसाइटोमीटर के ऊपर। हीमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं, काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, और न्यूबॉर्न चैम्बर भी बोलते हैं, तीन नाम है इसके। नेक्स्ट, द सेल्स आर काउंटेड अंडर प्रॉपर मैग्निफिकेशन। और फिर हीमोसाइटोमीटर को कहां पे रखोगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर। और उसको सेल्स को किसके अंदर काउंट करोगे आप, प्रॉपर मैग्निफिकेशन के ऊपर, ओवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ हीमोसाइटोमीटर। और जो रेड ब्लड सेल के लिए स्पेसिफिक एरिया है हीमोसाइटोमीटर के अंदर, उस वहीं पे क्या है अपन सेल्स को काउंट करेंगे, उसी में। नेक्स्ट, द व्हाइट ब्लड सेल, द होल ब्लड इज यूज फॉर टोटल व्हाइट ब्लड सेल काउंट, यानी कंप्लीट ब्लड को अपन काम में लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल के अंदर काउंट करने के लिए। विद व्हाइट ब्लड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूइड इट इज डाइल्यूटेड 20 टाइम्स। और ये जो कंप्लीट ब्लड है उसको डाइल्यूट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ।
यानी टर्कस फ्लूड के साथ, और कितना डाइल्यूट करते हैं 20 times, लेकिन आरबीसी में कितना 200 times, एंड प्लेस इन हीमोसाइटोमीटर, और फिर क्या डाइल्यूशन के बाद इसको कहां पे रखते हैं, हीमोसाइटोमीटर के अंदर प्लेस कर देते हैं, और द सेल्स आर काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप ओवर स्पेसिफाइड एरिया। और फिर क्या है, अपन हीमोसाइटोमीटर को कहां पे रखे, माइक्रोस्कोप के ऊपर रखे, जो स्पेसिफिक एरिया है व्हाइट ब्लड सेल का, यानी काउंटर जो हीमोसाइटोमीटर है उसमें अलग अलग कॉलम बने होते हैं, यानी क्या है, 4 कॉलम तो किसके हैं, व्हाइट ब्लड सेल के, और 5 किसके हैं, रेड ब्लड सेल के। तो अपन कौन से कॉलम काउंट करेंगे, अगर व्हाइट ब्लड सेल को काउंट करना है तो डब्ल्यूबीसी के कॉलम से। डाइल्यूशन आरबीसी में इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि उसके काउंट ज्यादा है, व्हाइट ब्लड सेल में क्या है, काउंट कम है उसके, तो इसलिए डाइल्यूशन भी क्या करते हैं, अपन कम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने को इस चीज के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, इक्विपमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट, यानी रेड ब्लड सेल को डिटेक्ट करने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो हीमोसाइटोमीटर होना चाहिए, यानी काउंटिंग चैम्बर होना चाहिए जिसके ऊपर अपन क्या है, ब्लड सेल और जो डाइल्यूटिंग मिक्सचर है अपन ने जो बनाया है, यानी डाइल्यूशन फ्लूड और ब्लड ब्लड को मिला के जो डाइल्यूटिंग मिक्सचर बनाया है उसको चार्ज करके अपन क्या है, सेल्स को काउंट करें। और एक क्या होना चाहिए, माइक्रोस्कोप, यानी एग्जामिनेशन के लिए। कवर स्लिप किसके लिए चाहिए, कवर स्लिप यानी हीमोसाइटोमीटर को जब चार्ज कर लेते हैं, यानी हीमोसाइटोमीटर के ऊपर जब अपन क्या है, डाइल्यूटिंग मिक्सचर ले लेते हैं, तब उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कवर स्लिप। और क्या चाहिए, एंटीकोगुलेंटेड ब्लड सैंपल, यानी जिस पेशेंट का ब्लड अपने को डिटेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए, एंटीकोगुलेंटेड होना चाहिए, यानी ईडीटीए के अंदर लेना है। आरबीसी पिपेट होनी चाहिए, यानी जिसका बॉटम का मार्क कितना है, 0.5 माइक्रोलीटर, और टॉप का मार्क कितना है, 101 माइक्रोलीटर, यानी 101 माइक्रोलीटर, और मिड मार्क कितना है, 1 माइक्रोलीटर। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए अपने को आरबीसी को डिटेक्ट करने के लिए, तो एक तो क्या चाहिए, आरबीसी काउंट्स को काउंट करने के लिए एक तो हीमोसाइटोमीटर चाहिए, यानी काउंटिंग चैम्बर जिसके अंदर अपन सेल्स को काउंट कर सकें, दूसरा माइक्रोस्कोप चाहिए, तीसरा कवर स्लिप चाहिए, चौथा एंटीकोगुलेंटेड ब्लड सैंपल चाहिए, यानी पेशेंट का ब्लड चाहिए जिस पेशेंट के सेल्स काउंट करने हैं, आरबीसी पिपेट चाहिए जिसके अंदर से अपन क्या है, ब्लड का सैंपल लेते हैं, यानी ब्लड का सैंपल वाइल से लेते हैं, वो पिपेट चाहिए जिसका बॉटम के अंदर मार्किंग कितनी, आरबीसी पिपेट में 0.5 माइक्रोलीटर, टॉप के अंदर मार्किंग कितनी है, 101 माइक्रोलीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर, और मिड में कितनी है, 1 माइक्रोलीटर। आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल की जो पिपेट है वो अलग अलग होती है, रेड ब्लड सेल की जो पिपेट है उसके अंदर तो क्या है, रेड बीड होता है, यानी एक लाल मणका होता है, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर व्हाइट बीड होता है, ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, और दोनों के साइज के अंदर भी क्या है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, रेड ब्लड सेल डाइल्यूटिंग फ्लूड, और क्या चाहिए अपने आरबीसी काउंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड चाहिए, यानी जो ब्लड के अंदर अदर सेल्स को लाइज कर दे। तो इसके अंदर दो फ्लूड होते हैं आरबीसी को डाइल्यूट करने के लिए, जिसमें एक क्या है, हेम्स डाइल्यूटिंग फ्लूड, जो किससे मिलकर बना है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 0.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट कितना होता है, 2.5 ग्राम, और मर्क्यूरी क्लोराइड कितना होता है, 0.25 ग्राम। इन तीनों को मिक्स किस में करते हैं अपन, डिस्टिल वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर का अमाउंट कितना होता है, 100 ml। फिर क्या है, दूसरा फ्लूड कौन सा है, फॉर्मेलिन सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूड, जिसके अंदर जिसका कंपोजिशन क्या है, तो ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना है जिसमें, 3 ग्राम, फॉर्मेलिन कितना है, 1 ml, और डिस्टिल वाटर 99 ml।
ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्मेलिन सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूड। एम्स फ्लूड और फॉर्मेलिन सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूड के अंदर से अपन मोस्टली कौन सा फ्लूड काम में लेते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड के रूप में, हेम्स फ्लूड काम में लेते हैं मोस्टली। तो आरबीसी डाइल्यूटिंग में दो प्रकार के फ्लूड है, हेम्स डाइल्यूटिंग फ्लूड जिसका कंपोजिशन क्या है, तो जिस किससे मिलकर बना है, सोडियम क्लोराइड कितना है जिसमें 0.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट कितना है 2.5 ग्राम, मर्क्यूरी क्लोराइड कितना है 0.25 ग्राम, और डिस्टिल्ड वाटर कितना है 100 ml। फॉर्मेलिन सिट्रेट डाइल्यूटिंग फ्लूड तो ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना है 3 ग्राम, फॉर्मेलिन 1 ml और डिस्टिल्ड वाटर 99 ml। जिसके अंदर से अपन हेम्स डाइल्यूटिंग फ्लूड क्या है ज्यादा काम में लेते हैं आरबीसी काउंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए व्हाइट ब्लड सेल, जिसके लिए इक्विपमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए। एक तो हीमोसाइटोमीटर चाहिए यानी काउंटिंग चैम्बर, एक कवर स्लिप चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल चाहिए यानी जिस ब्लड के अंदर काउंट डिटेक्ट करने हैं, और क्या चाहिए अपने को व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंट पिपेट चाहिए, यानी जैसे आरबीसी पिपेट थी वैसे क्या आती है डब्ल्यूबीसी पिपेट भी आती है। इसमें बोटंग मार्क तो क्या होता है 0.5 माइक्रोलीटर, यानी रेड ब्लड सेल की जो पिपेट थी उसी के सिमिलर। लेकिन टॉप मार्क आरबीसी की पिपेट में तो 1 माइक्रोलीटर था, लेकिन डब्ल्यूबीसी की पिपेट में टॉप मार्किंग कितनी होती है 11 माइक्रोलीटर, क्योंकि उसमें तो अपन क्या है आरबीसी को तो कितना डाइल्यूट करते हैं 200 टाइम्स, लेकिन डब्ल्यूबीसी को कितना डाइल्यूट करते हैं 20 टाइम्स। इसलिए क्या है इनकी पिपेट में इनके साइज में डिफरेंस होता है। फिर डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूड कौन सा है, तो एक ही फ्लूड है मोस्टली जो अपन काम में लेते हैं टर्कस फ्लूड, जिसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन क्या है जिसका, तो किससे मिलकर बनाए, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 2 ml, 1% एक्वस जेनिटेन बॉयलेट कितना है 1 ml, और डिस्टिल वाटर 97 ml। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं टर्कस फ्लूड बनाते हैं। टर्कस फ्लूड को अपन काम में लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल को डिटेक्ट करने के लिए, यानी ये अदर सेल्स को क्या कर देता है लाइज कर देता है। नेक्स्ट देखिए आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी पिपेट, तो एक साइड में क्या है आरबीसी पिपेट है जिसके नीचे बॉटम में मार्किंग कितनी है 0.5 माइक्रोलीटर, मिड में मार्किंग कितनी है 1 माइक्रोलीटर, लेकिन टॉप के अंदर आप देख रहे हो कितनी मार्किंग उसकी 101 माइक्रोलीटर यानी 101 माइक्रोलीटर। जिसके बीच में क्या निशान लगा हुआ है, एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है आरबीसी पिपेट में, जिसके अंदर क्या होता है रेड बीड होता है, जो क्या है साइन है किसका आरबीसी पिपेट का, जिसके अंदर कैसा बीड होता है रेड बीड, और पीछे क्या होता है रबर ट्यूब होती है यानी सक्शन के लिए यानी ब्लड सैंपल को सक करने के लिए। फिर क्या है दूसरी साइड में व्हाइट ब्लड शीट डब्ल्यूबीसी पिपेट जिसका साइज क्या है छोटा है, यानी बॉटम में यानी तल में मार्किंग कितनी है 0.5 माइक्रोलीटर, मिड में 1 माइक्रोलीटर और टॉप में कितनी है 11 माइक्रोलीटर ओनली। और जिसके जो बल्ब है व्हाइट ब्लड सेल का पिपेट का उसके अंदर जो बीड होता है वो मणका कैसा होता है व्हाइट बीड होता है, कैसा होता है व्हाइट बीड, जबकि आरबीसी में रेड बीड होता है। पर फिर क्या है वही रबर ट्यूब है जो ब्लड सैंपल को सक करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट देखिए कि एक क्या दिखाया गया एग्जांपल दिखाया गया आपको आरबीसी पिपेट का, जिसके अंदर बीच में क्या है बल्ब जैसी स्ट्रक्चर, और बल्ब जैसी स्ट्रक्चर में क्या है एक रेड बीड दिख रहा है आपको। उसी तरीके से क्या है इसी के जैसे क्या है व्हाइट ब्लड सेल की डब्ल्यूबीसी पिपेट होती है, जिसके अंदर बीड कैसा होता है ये जो रेड बीड दिख रहा है वैसे उसके अंदर कैसा बीड होता है व्हाइट बीड होता है, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके कंपेरिजन में छोटी होती है। ये जो पिपेट दिखाई गई है वो कैसी है आरबीसी पिपेट है जिसमें रेड बीड है, जिसमें बॉटम में मार्किंग कितनी है 0.5 माइक्रोलीटर, मिड में मार्किंग है 1 माइक्रोलीटर और टॉप में 101 माइक्रोलीटर यानी 101 माइक्रोलीटर। नेक्स्ट देखिए क्या है न्यू बार चैम्बर या हीमोसाइटोमीटर या काउंटिंग चैम्बर। तो काउंटिंग चैम्बर के अंदर आपको क्या है कि अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं, चारों तरफ जो कॉर्नर के ऊपर W लिखा हुआ है जो एज के ऊपर है चारों कॉर्नर के ऊपर है वो
कैसे कॉर्नर है उनके अंदर अपन क्या काउंट करते हैं, काउंटिंग चैम्बर में व्हाइट ब्लड सेल्स को, किसको काउंट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल को, और बीच में और क्या है कि टोटल कितने चार येलो कलर के बॉक्स दिख रहे हैं और बीच में क्या दिख रहा है आर आर लिखा हुआ दिख रहा है यानी रेड ब्लड सेल। तो पांच कॉलम किसके होते हैं आरबीसी को डिटेक्ट करने के लिए। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो बॉक्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो बॉक्स होते हैं न्यूवार चैम्बर में वो क्या होते हैं छोटे होते हैं, उनकी मार्किंग क्या होती है छोटी होती है, यानी जो चारों किनारों के ऊपर होते हैं बॉक्स वो किसको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं व्हाइट ब्लड सेल को डिटेक्ट करने के लिए, और सेंटर में और मिड में जो पांच ब्लॉक्स होते हैं हीमोसाइटोमीटर में यानी येलो कलर के चार ब्लॉक्स और एक सेंटर में, वो पांचों ब्लॉक्स किसको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं रेड ब्लड सेल्स को। नेक्स्ट देखिए काउंटिंग ग्रिड यानी क्या है काउंटिंग चैम्बर, तो वही है कि चारों जो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको एज के ऊपर वो बड़े हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, और बीच में क्या है पांच ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको जिसमें लाइनिंग क्या है ज्यादा ब्लॉक्स क्या है बिल्कुल छोटे हैं, वो किसको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं काउंटिंग चैम्बर में रेड ब्लड सेल्स को। काउंटिंग ग्रिड में देखिए ईच स्केलिन 3 mm वाइड एंड 3 mm लॉन्ग, यानी प्रत्येक जो स्केल है वो कितना लंबा है 3 mm लंबा है और 3 mm क्या है चौड़ा है 9 mm स्क्वायर का है टोटल एरिया है, और द होल स्केल इज डिवाइडेड इनटू 9 बिग स्क्वायर, और ये जो पूरा स्क्वायर है बड़ा वो किसके अंदर डिवाइड है 9 बिग स्क्वायर के अंदर 9 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है। ईच स्क्वायर इज 1 mm लॉन्ग एंड 1 mm वाइड, पर प्रत्येक जो स्क्वायर है वो 1 mm लंबा और 1 mm चौड़ा है। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर में, तो आरबीसी को अपन किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, तो ब्लड शुड बी केयरफुली जेंटली सक्शन ड्रॉन टू द 0.5 मार्क ऑफ आरबीसी पिपेट एंड एक्सप्रेस ब्लड शुड रिमूव फ्रॉम द पिपेट, यानी ब्लड शुड बी केयरफुली ड्रॉ, यानी ब्लड को क्या है अपने को अच्छे ध्यानपूर्वक क्या है 0.5 मार्किंग तक ड्रॉ करना है यानी चक करना है, यानी आरबीसी पिपेट के अंदर जो 0.5 बॉटम का मार्क था वहां तक ब्लड को चक करना है एंड एक्सेस ब्लड शुड बी रिमूव, यानी अगर ज्यादा ब्लड आ गया आरबीसी पिपेट के अंदर 0.5 मार्क से तो उसको रिमूव कर देना, ये ब्लड कैसा है पेशेंट का ब्लड है जिसका जिसके अंदर सेल की काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हेम्स फ्लूइड शुड बी ड्राउन टू द मार्क 101 यानी 101 टू डाइल्यूट द ब्लड, फिर क्या हेम्स आइसोटोनिक फ्लूइड जो है उसको आरबीसी पिपेट में 101 की मार्किंग तक सक करना है ड्रॉन करना है ताकि डाइल्यूशन कितना हो डाइल्यूशन हो जाए 200 टाइम्स हेम्स फ्लूइड को डाइल्यूट, और ये अपन हेम्स फ्लूइड किस लिए लेते हैं डाइल्यूशन के लिए। नेक्स्ट द पेशेंट ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिक्स वेल एंड आरबीसी पिपेट स्टैंड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर 3 to 5 मिनट, फिर क्या है कि आप पेशेंट और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है शेकिंग करनी है उसकी, अगर आरबीसी पिपेट को क्या है ओरिजेंटल पोजीशन में छोड़ देना है 3 to 5 मिनट के लिए ताकि जो मिक्सिंग है जो लाइज है अदर सेल्स का वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट सेवरल ड्रॉप्स ऑफ 2 to 4 मिक्सड फ्लूड डिस्कार्ड फ्रॉम द आरबीसी पिपेट, फिर क्या है कुछ ड्रॉप्स जो है 2 to 4 बूंद नीचे की तरफ जो बॉटम में बूंद है मिक्सड फ्लूड के आरबीसी पिपेट के अंदर, मिक्सड फ्लूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ब्लड भी है और इस आरबीसी पिपेट में ब्लड भी है डाइल्यूटिंग फ्लूड भी है, तो ये क्या हो गया मिक्सड, तो दोनों की क्या है आरबीसी पिपेट से 2-4 बूंदे क्या है डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर क्या आरबीसी पिपेट का जो एंड है उसको क्या है क्लीन कर देते हैं ड्राई कर देते हैं किसके साथ टिश्यू की हेल्प से।
नेक्स्ट देखिए, द टिप ऑफ पिपेट इज टच्ड टू द साइड ऑफ हीमोसाइटोमीटर चैम्बर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड ए ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड विल रन अंडर द कवर ग्लास। यानी एक टिप जो है माई पिपेट की, यानी जो किनारा है अंतिम किनारा, उसको टच कर रहा है किसको, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर को या चैम्बर को, काउंटिंग चैम्बर को। और ए ड्रॉप ऑफ फ्लूइड विल रन अंडर द कवर ग्लास, और एक ड्रॉप आपको क्या है छोड़ देनी है किसके ऊपर, हीमोसाइटोमीटर के अंदर, जो क्या है ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर यानी कवर स्लिप के अंदर क्या है रन कर ले, यानी पूरे क्या है काउंटिंग चैम्बर को कवर कर ले। वेट फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के लिए इंतजार करना है। टोटल नंबर ऑफ सेल इन 5 स्क्वायर इन द सेंटर ऑफ काउंटिंग चैम्बर इज डिटरमाइंड अंडर द हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप। यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन 5 स्क्वायर, यानी टोटल सेल्स काउंट करनी है आरबीसी सेल्स किसमें, 5 स्क्वायर में। यानी आपने देखा था आरबीसी के लिए कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। इन द सेंटर काउंटिंग चैम्बर, यानी काउंटिंग के, काउंटिंग चैम्बर के सेंटर में, और डिटरमाइन अंडर द हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप। और ये जो सेल काउंट करते हो आप माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको क्या है हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या है आपको काउंट करना है, यानी 40x पे। अवॉइड डुप्लीकेट काउंटिंग ऑफ ए सिंगल सेल, यानी क्या है डुप्लीकेट काउंटिंग नहीं करनी आपको, अवॉइड कर देना एक सिंगल सेल की। काउंटिंग इन ए, काउंटिंग इज ए zigzag इन ए ऑल स्क्वायर। काउंटिंग कैसे करनी है आपको, zigzag पोजीशन में करनी है, यानी जेड की पोजीशन में करनी है सभी स्क्वायर के अंदर। ब्लड सेल इज काउंटेड, और फिर क्या है सेल को अच्छे तरीके से 500 स्क्वायर में काउंट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है व्हाइट ब्लड सेल का प्रोसीजर, यानी वही सिमिलर प्रोसीजर लगभग। तो यानी इसमें क्या है पिपेट कौन सी काम में लेते हैं, पर व्हाइट ब्लड सेल की पिपेट काम में लेते हैं, उसमें कौन सी आरबीसी पिपेट। व्हाइट ब्लड सेल वाली पिपेट में क्या है, इसमें टर्कस फ्लूइड काम में लेते हैं डायल्यूशन के लिए व्हाइट ब्लड सेल के लिए, और उसमें एम्स फ्लूइड। तो देखिए एक बार डब्ल्यूबीसी के डायल्यूशन में, ब्लड शुड बी केयरफुली ड्रॉन टू द 0.5 mark ऑफ व्हाइट ब्लड सेल पिपेट एंड एक्सेस ब्लड शुड रिमूव फ्रॉम द पिपेट। यानी ब्लड को उतना ड्रॉ करना है आपको व्हाइट ब्लड सेल के पिपेट में 0.5 mark तक, एंड एक्सेस ब्लड शुड बी रिमूव फ्रॉम द पिपेट। और 0.5 mark के अलावा व्हाइट ब्लड सेल के पिपेट में अगर ज्यादा ब्लड आ गया तो उसको रिमूव कर देना है। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी टर्कस फ्लूइड शुड बी ड्रॉन टू द मार्क 11 टू डाइल्यूट द ब्लड। और फिर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यानी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, उसको किस तक तक कर रहा है 11 mark तक, यानी व्हाइट ब्लड सेल के पिपेट के अंदर। सकिंग कैसे करते हो, क्योंकि ट्यूब के पीछे रबड़ लगा हुआ है, रबड़ की ट्यूब है, उससे सक कर लेते हो आप। द पेशेंट ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिक्स वेल एंड व्हाइट ब्लड सेल पिपेट स्टैंड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर 3 to 5 minutes। फिर क्या है जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और व्हाइट ब्लड सेल की पिपेट जो है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 3 to 5 minutes के लिए छोड़ देना है, ताकि क्या है अदर सेल्स लाइज हो जाए टर्कस फ्लूइड से, और कौन सी सेल बचे, ओनली व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट, सेवरल ड्रॉप्स ऑफ 2 to 4 मिक्सड फ्लूइड डिस्कार्ड फ्रॉम द व्हाइट ब्लड सेल पिपेट, द एंड इज ड्राई विद टिश्यू। और यानी कुछ बूंदे क्या है व्हाइट ब्लड सेल की पिपेट से, 2-4 बूंदे क्या है जो बॉटम में है उनको डिस्कार्ड कर देना है आपको, बाहर निकाल देना है, और जो एंड है व्हाइट ब्लड सेल की पिपेट का उसको क्लीन कर देना टिश्यू की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए, द टिप ऑफ पिपेट इज टच टू द साइड ऑफ हीमोसाइटोमीटर। यानी व्हाइट ब्लड सेल पिपेट की जो टिप है जिसमें मिक्सिंग फ्लूइड है उसको टच करना है हीमोसाइटोमीटर को विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी बिना किसी घबराहट के, एंड ए ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड विल रन अंडर द कवर ग्लास। और एक ड्रॉप आपको क्या है हीमोसाइटोमीटर के ऊपर छोड़ देनी है, जो क्या है ग्लास के अंदर रनिंग करेगी। वेट फॉर 2 to 3 minutes एज ल्यूकोसाइट रिक्वायर सेटिंग। और आपको 2 से 3 मिनट के लिए वेट करना है, जिससे क्या है ल्यूकोसाइट सेल्स है वो सेट हो जाए किसके ऊपर, हीमोसाइटोमीटर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन 4 स्क्वायर इन द सेंटर ऑफ काउंटिंग चैम्बर इज डिटरमाइंड। यानी क्या है चार टोटल नंबर क्या है व्हाइट ब्लड सेल के काउंट करने हैं, जो 4 स्क्वायर है सेंटर के अंदर नहीं है, सॉरी गेज के अंदर किनारों पे, पर किसके अंदर हाई पावर ऑब्जेक्टिव के अंदर, यानी 40x के अंदर। अवॉइड डुप्लीकेट काउंटिंग ऑफ ए सिंगल सेल। और आपको क्या है डुप्लीकेट काउंटिंग अवॉइड कर देनी है सिंगल सेल की। और काउंटिंग इज
जिग जैग इन ऑल स्क्वायर, काउंटिंग कैसे करनी है चारों स्क्वायर के अंदर जिग जैग के अंदर यानी जेड की फॉर्म में। और ब्लू सेल क्या है, ब्लू सेल्स इज काउंटेड, और ब्लू सेल्स को क्या है अपन काउंट करेंगे। तो अपन जो ऑब्जेक्टिव है हिमोसाइटोमीटर की एग्जामिनेशन है वो कितने एक्स पे करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, 40 एक्स के लेंस के ऊपर। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आरबीसी की अगर कैलकुलेशन देखें यानी आपने जितने नंबर काउंट किए हैं वो नंबर इंटू 50 इंटू 200 यानी उनका डाइल्यूशन कितना है 200 टाइम किया है आपने। जो 50 है वो क्या है काउंटिंग चैम्बर की जो है वो क्या है लेंथ है और क्या है उसकी कैलकुलेशन है। तो आरबीसी का कैलकुलेशन कैसे करोगे आप कि नंबर ऑफ काउंटेड सेल इंटू 50 इंटू 200 और आरबीसी। और अगर माइक्रोलीटर में देखो आप आरबीसी को तो आरबीसी के जो नंबर काउंट किए हैं आपने हीमोसाइटोमीटर के अंदर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से। अगर व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग देखें तो जो नंबर आपने काउंट किए हैं उनको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 50 के साथ। और अगर इसी तरीके से प्लेटलेट को काउंट करते हैं अपन सेम प्रोसीजर रहता है उसमें आरबीसी की भी पेट लेते हैं प्लेटलेट काउंटिंग के अंदर और क्या है कि उसमें फ्लूड अलग लेते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूड। तो प्लेटलेट काउंटिंग में क्या करते हैं जो नंबर आप काउंट करोगे ब्लॉक के अंदर आरबीसी ब्लॉक के अंदर उनको मल्टीप्लाई कर दो कितने 1000 से। तो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूड कौन सा होता है रेस इकर फ्लूड। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा डीएलसी के ऊपर यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। एक बार क्या है इसमें इन्फ्लुएंस देखेंगे कि आरबीसी काउंट और व्हाइट ब्लड सेल काउंट किस तरीके से बढ़ते हैं कौन से रीजन होते हैं उनके बढ़ने यानी इंक्रीज और डिक्रीज होने के। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे आपका फिफ्थ प्रैक्टिकल डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी व्हाइट ब्लड सेल को अलग अलग अपन किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।